हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी देखेंगे जिसका नाम है द फाइनल सॉल्यूशन, जो लिखी थी मानिक बंदोपाध्याय ने। ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो बेसिकली थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है और ये पार्टीशन लिटरेचर की कैटेगरी में आती है। तो आइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। गाइज, इसमें हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इवन अ फ्यू डेज बैक वन कुड सी द फॉरलॉर्न डिस्पोजेस्ड पीपल स्पेंडिंग देयर डेज एंड नाइट्स हडल टुगेदर लाइक हर्ड्स ऑफ कैटल एंड गोट्स इन द शेल्टर ऑफ अ रेलवे स्टेशन। इस लाइन में बताया गया है कि रेलवे स्टेशन पे लोग बैठे हैं जैसे कि भेड़ बकरियां इकट्ठे झुंड में रहते हैं। मलिका's family had a place the length of one spread mattress. अब जो मलिका की फैमिली है उनकी जो स्पेस बताई गई है, जो वो रेलवे स्टेशन पे रह रहे हैं, वो बिल्कुल जैसे एक मैट्रेस बिछी हो उतना एरिया उनको मिला है रहने के लिए। एवरीथिंग एवरी वन वॉज स्क्वीज देयर, मतलब सब लोग इकट्ठे वहीं पर बैठे हैं। मलिका, हर हस्बैंड भूषण, मलिका उसका हस्बैंड भूषण, उन दोनों का एक बच्चा जो जिसका नाम है खोकोन, एंड अ विडोड सिस्टर इन लॉ आशा। टिन सूट केसेस, बेडिंग्स एंड बंडल्स, पॉट्स एंड पैंस। अब ये सब लोग वहीं पर बैठे हैं, इनके जो भी सूट केस है, पैंस हैं, पॉट्स हैं, वो सब इन्हीं के पास वहीं पर पड़ा हुआ है। Another day had begun. Perhaps the sun had no option but to come up chasing away night's shadow, or else why would the darkness give way to light in the cruel ugly world? अब अगला दिन आ चुका है और सन भी निकल गया है। टुडे मलिकाज फैमिली हैड नथिंग टू ईट, द चिल्ड्रन हैड बीन विम्परिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। ही ड्रॉज्ड एज द डे एडवांस्ड, ही हॉल्ड एंड ड्रॉप्ड ऑफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जो मलिका का बच्चा है वो सुबह से ही रो रहा है क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं है। मलिका लिफ्टेड हर आई टू बिहोल्ड प्रमथा ऑफ हेल्प एंड वेलफेयर सोसाइटी, पीपल हेल्पिंग द रिफ्यूजीज एकम्पनीड बाय राम लोचन डिसेंड ऑन देयर मैट्रेस किंगडम। अब वहाँ पर मल्लिका देखती है कि प्रमथा आती है जो कि हेल्प एंड वेलफेयर सोसाइटी की है, और ये लोग रिफ्यूजीज को हेल्प करते हैं। उसके साथ में राम लोचन भी होता है। आशा कवर्ड हर हेड पुलिंग द साड़ी क्लोज टू हर फॉरहेड। अब जैसे ही जो प्रमथा आती है तब आशा अपना फेस कवर कर लेती है अपनी साड़ी से फॉरहेड तक। भूषण टेम्परेचर हैड कम डाउन, इससे हमें पता चलता है कि पहले उसे फीवर था। रैप्ड इन द फोल्ड ऑफ द कांथा ही वॉज डोजिंग, ही वॉज नॉट बॉदर्ड बाय प्रमथाज अपियरेंस। मतलब जो मल्लिका का हस्बैंड है वो सो रहा है और वो प्रमथा को देखकर उठता नहीं है। सो मैनी हैड कम एंड गॉन, मैन फ्रॉम सोसाइटीज एसोसिएशन न्यूज़पेपर ऑफिसेस, इट हैड मेड नो डिफरेंस टू देयर लाइफ। मतलब कि बहुत सारे लोग और काफ़ी सारे सोसाइटीज से, एसोसिएशन से और न्यूज़पेपर से लोग आए हैं इनकी हेल्प करने, बट किसी ने भी इनकी हेल्प नहीं करी है, तो इसलिए अब इन लोगों को इनसे फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। मलिका एंड हर फैमिली डिड नॉट रिलाई ऑन द गवर्नमेंट बट दे हैड प्लेस्ड सम होप ऑन दिस मैन, ऑन दीज मैन। अब जो मलिका है और उसकी फैमिली है उन्हें बिल्कुल भी गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है कि वो उनकी हेल्प करेंगे या नहीं, बट इन लोगों पर है। दे हैड कंटिन्यूड टू लिव वन हेल ऑफ अ लाइफ इन द स्टेशन, नोइंग फुली वेल दे वर अबाउट टू बी टर्नड आउट ऑफ द प्लेस। अब वो लोग यहाँ पर स्टेशन पे बहुत टाइम से रह रहे हैं यही सोचते हुए कि शायद कभी तो कोई आएगा और उनकी हेल्प करेगा। हाउ इज़ द फीवर, अब प्रमथा उससे पूछती है मल्लिका से कि फीवर कैसा है। इट्स कम डाउन बट विल कम अगेन विद ऑल द शिवरिंग फॉर श्योर। बट मल्लिका बोलती है कि पहले से तो बेटर है बट मुझे लगता है कि दोबारा आ जाएगा। इट वॉज ऑलवेज मल्लिका हु रिप्लाइड टू प्रमथाज क्वेरी, मतलब कि हमेशा मल्लिका ही प्रमथा से बात करती थी, उसका हस्बैंड ज़्यादा नहीं। प्रमथा गेव द इम्प्रेशन ऑफ अ मिडिल एज पैट्रल फैमिलियस, मतलब प्रमथा जो है वो मिडिल एज का है। द मैन हैड डन नथिंग फॉर देम ऑल दो दिस वॉज
फॉर द फोर्थ टाइम ही हैड कम टू इंक्वायर आफ्टर देयर वेल बींग एंड डेमोन्स्ट्रेट हिज कंसर्न. मतलब कि इस आदमी ने उनके लिए कुछ नहीं करा है, पर फिर भी ये फोर्थ टाइम इनके पास आता है इनके बारे में पूछने. नाउ दे वर ऑन द पॉइंट ऑफ स्टारवेशन, और अब ये लोग जो हैं वो स्टारवेशन के पॉइंट पर है, मतलब भुखमरी के. मलिका डिडंट माइंड्स वर्ड्स व्हेन शी ब्लंटली सेड वी आर रिलाइंग ऑन यू एंड यू आर डूइंग नथिंग फॉर अस. उसके बाद मलिका उन्हें कहती है कि हम लोग बस आप ही के भरोसे जी रहे हैं. वी आर रियली एट सी, हाउ मैनी पीपल कैन वी टेक केयर ऑफ. अब उसके बाद प्रमथा बोलता है कि हम कितने लोगों का ध्यान रखें. शेप अप, डिड यू से दैट, शुड वी ट्राई टू, इफ दैट इज वॉट इज नीडेड देन आई एम रेडी टू स्टैंड अप स्ट्रेट एंड बिहेव रिस्पॉन्सिबली. हेयर आई एम थ्रोइंग माई हैंड्स अबाउट डांसिंग एंड स्क्रीमिंग फॉर अटेंशन, वॉट मोर इज लेफ्ट. अब उसके बाद मलिका कहती है कि हम रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर तो रहे हैं, उसके अलावा क्या करें. Her words carried a sharp sting, but the agony of the hapless lot never find a voice, sign of anger, of humiliation never show on their face. उसके बाद हमें ऑथर बताता है कि ऐसा एंगर ऑफ ह्यूमिलेशन उनके फेस पे देखने को कभी नहीं मिला है. प्रमथा फाउंड दिस मोड ऑफ डेस्टिट्यूट रादर टेरिफाइंग एट फर्स्ट. इट सीम टू हिम एज इफ दे वर टर्निंग देयर बैक्स ऑन हिम इन कंटेम्प्ट एंड सेइंग. और प्रमथा को ऐसा लगता है कि वो उससे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, और कह रहे हैं डोंट टॉक डाउन टू अस, टेल अस इंस्टेड वॉट वी हैव टू डू, टेल अस वॉट इज़ द वे आउट. और वो लोग ये बोलते हैं कि हमसे ज़्यादा फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये बताओ कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं. प्रमथा वॉज अ रियलिस्ट, ही वॉज अनयूजअली अवेयर, ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड ही सॉट टू काम मलिका डाउन. उसके बाद प्रमथा जो है वो एक रियलिस्ट है और वो मलिका को काम डाउन करता है. वॉट कैन आई से, यू हैव कम इन वेव्स फ्लडिंग द सिटी, द गवर्नमेंट इज़ अनेबल टू कोप, हाउ मैनी पीपल कैन वी लुक आफ्टर. उसके बाद प्रमथा उन्हें बताता है कि गवर्नमेंट हमारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही है, तो तुम बताओ हम कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं खुद से. इट्स ऑल गॉड्स हैंडी वर्क लाइक अ डेल्यूज और एन अर्थक्वेक. तो जो प्रमथा है वो उसे मलिका को बताता है कि ये सब भगवान का किया हुआ है, जैसे कि अर्थक्वेक उन्हीं के हाथों में होता है, ऐसे ये सिचुएशन भी उन्हीं के हाथ में है. इट इज़ गॉड हु मेक्स पुअर इनसिग्निफिकेंट मैन लाइक अस डू वॉट ही वॉन्ट्स. उसके बाद जो प्रमथा है वो बताता है कि सब कुछ भगवान ही करता है, किसी को गरीब और किसी को अमीर. और एल्स वाई शुड वी गेट अबाउट द सफरिंग ऑफ वुमेन लाइक यू एंड कम रनिंग टू हेल्प. उसके बाद प्रमथा ये भी बताता है कि देखो मुझे भी ऐसा आदमी बनाया है जो मैं रिफ्यूजीज की हेल्प कर रहा हूँ. वाई टेक द नेम ऑफ दैट डिसग्रेसफुल बींग. प्रमथा केप्ट हिज कूल, लीविंग असाइड द बैंडिनेज ही केम टू सीरियस बिजनेस. उसके बाद मलिका बोलती है कि तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो. उसके बाद जो प्रमथा होता है फिर वो कहता है कि ठीक है पॉइंट पर आते हैं. फिर वो बोलता है लुक वी हैव नो कंट्रोल ओवर द सिचुएशन बट वी कैन फाइंड यू अ जॉब इफ़ यू विश यू विल अर्न इनफ. उसके बाद जो प्रमथा है वो उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें जॉब ढूंढ के दे देता हूँ जिससे तुम कमा पाओगे. Why don't you find my husband a job? He's suffering from malaria fever. He will be all right in a day or two. He can join work after taking a couple of day rest. उसके बाद मलिका बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड को क्यों नहीं जॉब दे देते, उसको अभी मलेरिया है और वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा और उसके बाद वो काम कर सकता है. प्रमथा मेड साउंड ऑफ रिग्रेट. There are no jobs for men. Everywhere men are out of work, but there are some jobs still available for women. उसके बाद प्रमथा जो है वो मलिका को बोलता है कि कोई भी जॉब जो है वो मेन के लिए नहीं बची है, अब सिर्फ वुमेन्स के लिए ही जॉब बची है. फिर मलिका कहती है विल यू फाइंड समथिंग फॉर माई सिस्टर इन लॉ टू, वी कैन बोथ वर्क एंड अर्न. कि तुम मेरी और मेरी सिस्टर इन लॉ दोनों के लिए कोई जॉब ढूंढ सकते हो जिससे हम दोनों ही अर्न कर पाए.
प्रमथा फेल्ट हैप्पी टू किल टू बर्ड्स विद वन शॉट. आई थिंक आई कुड, ही सेड. उसके बाद प्रमथा कहता है, शायद मैं ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हें बताता हूँ. मल्लिका ग्लैंस्ड एट हर स्केलेटन लाइक चाइल्ड. अब वो अपने स्केलेटन जैसे बच्चे को देखती है, मतलब कि वो बहुत ऐसा है कि जिसने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया, इसलिए उसको स्केलेटन लाइक बोला गया है. शी स्पोक टू भूषण सॉफ्टली, ड्रॉइंग हर साड़ी ओवर हर हेड. फिर अपने हस्बैंड से बात करती है. देयर इज़ नो अदर वे फॉर अस, इज़ देयर, वॉट डू यू से. और पूछती है कि अब कोई और रास्ता तो बचा नहीं है, कुछ और है तो तुम बताओ. भूषण डिड नॉट अटर अ वर्ड. भूषण कुछ नहीं बोलता. ही सैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग हिज फिस्ट. वो बस अपनी मुट्ठी को खोलता है और बंद करता है. और उसके बाद कहता है, ओ गॉड, इवन दिस वॉज इन माई फेट, मल्लिका क्राइड आउट. और मल्लिका कहती है कि भगवान, अब यही लिखा था क्या मेरे नसीब में. मल्लिका हैड कॉल्ड आउट टू गॉड आउट ऑफ हैबिट. देर वॉज नथिंग इन हर वॉइस टू इंडिकेट शी वॉज मेकिंग अ प्ली. मतलब कि जो मल्लिका थी उसको आदत थी भगवान से ऐसे ही बातें करने की, ऐसा कुछ नहीं था कि वो कुछ रिक्वेस्ट कर रही थी. इट सीम शी वॉज डिसमिसिंग हिम आउट ऑफ हर माइंड, टेकिंग हिज नेम फॉर वन लास्ट टाइम. वह आखिरी बार भगवान का नाम लेती है और बोलती है, ओके आई विल डू वॉट एवर यू से, डांस नेकेड इफ यू आस्क मी टू, बट यू विल फाइंड अ रूम फॉर us first, won't you? An enclosed space and spot of milk for the child, otherwise he'll die. उसके बाद मल्लिका कहती है कि ठीक है, मैं वो सब करूँगी जो तुम मुझसे कहोगे, पर लास्ट टाइम एक रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे कि तुम हमारे लिए एक रूम ढूँढ दो जिसमें हम आराम से रह सकें और मैं अपने बच्चे को अच्छे से खाना भी खिला सकूँ. प्रमथा कैलकुलेटेड इन हिज माइंड. कामली ही सेड, यू विल गेट अ रूम टू स्टे एंड सम मिल्क टू. टेक हिज मनी एज एडवांस, इट विल कवर द रूम रेंट एंड द प्राइस ऑफ मिल्क. उसके बाद प्रमथा कुछ कैलकुलेशंस करता है माइंड में और उसे थोड़े से पैसे दे देता है और कहता है कि इन पैसों से तुम्हारा रूम का रेंट और जो तुम्हें दूध वगैरह चाहिए अपने बच्चे को पिलाने के लिए वो भी आ जाएगा. यू बेटर गिव अ रिसिप्ट फॉर द मनी स्ट्रेट अवे. आई विल टेक यू टू योर रूम इन द आफ्टरनून. स्माइलिंग टू हिमसेल्फ प्रमथा लिट अ सिगरेट. उसके बाद सिगरेट निकालते हुए बोलता है, जलाते हुए, कि मैं तुम्हें दोपहर में तुम्हारे रूम तक ले जाऊँगा. ही वॉज नॉट च्यूइंग द बीटल लीफ, ही फेल्ट बैड अबाउट इट. ब्लोइंग अ रिंग ऑफ स्मोक ही सेड, राम लोचन, गो एंड बाय अ लीटर ऑफ मिल्क, देन स्टे हेयर एंड लुक आफ्टर दीज पीपल. उसके बाद राम लोचन को भेजता है दूध लेने के लिए और बोलता है कि इन लोगों का ख्याल रखना तुम. देयर आर प्लेंटी ऑफ बैड कैरेक्टर्स अबाउट द प्लेस वेटिंग टू पाउंस ऑन देम, रिमेन विजिलेंट. ऑल ऑफ अ सडन मल्लिका थ्रू हिमसेल्फ ऑन द ग्राउंड, देन हर्टलिंग फॉरवर्ड एंड टेकिंग होल्ड ऑफ प्रमथास फीट नाइसली इन अ पेयर ऑफ शाइनी पॉलिश शूज, शी सॉब्ड, आर यू अ मैन और अ गॉड. उसके बाद जो मल्लिका है वो प्रमथा के पैरों में गिर के बोलती है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुमने हमारी इतनी हेल्प करी, तुम भगवान हो या कोई इंसान ही. अ यंग मैन ऑफ 20 or 22 एंड अ गर्ल ऑफ द सेम एज केम अप टू हर ऑलमोस्ट एज सून एज प्रमथा लेफ्ट. जैसे ही प्रमथा वहाँ से चला गया, उस समय वहाँ पर दो जने आते हैं, एक बॉय आता है और एक गर्ल आती है, और दोनों 20 से 21 ईयर्स के होते हैं. दे लुक्ड लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स. डिड ही से ही गेट यू अ जॉब, द बॉय सेड. उसके बाद बॉय जो होता है उनमें से वो पूछता है कि क्या प्रमथा ने तुम्हें ये कहा कि वो तुम्हें कोई जॉब देगा. तो फिर मल्लिका कहती है, हाँ, द मैन इज ईविल, डू यू नो वॉट काइंड ऑफ जॉब ही फाइंड यू. उसके बाद जो वो लड़का होता है वो बोलता है कि वो आदमी बहुत बुरा है, कि तुम्हें पता है कि वो कैसी जॉब देगा तुम्हें. द टू वेंट ऑन टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द जॉब टू मल्लिका फॉर 10 whole minutes. उसके बाद वही लड़का लड़की मल्लिका को सारा 10 मिनट तक समझाते हैं कि वो ऐसा इंसान है, ऐसी ऐसी जॉब देगा. राम लोचन हैड ब्रॉट हर अ पावा ऑफ हॉट मिल्क इन द मिड्स ऑफ देयर लेक्चर. उसके बाद इनकी बात चल ही रही होती है और वहाँ पर राम लोचन आता है मिल्क लेकर. वाइल दे टॉक मल्लिका टेकिंग आउट अ शेल शेप्ड स्पून फ्रॉम विद इन द फोल्ड ऑफ द कांथा स्टार्टेड टू फीड द चाइल्ड ऑन हर लैप, कूलिंग द मिल्क विद पफ्स ऑफ ब्रेथ. उसके बाद उन लोगों से बात करते करते मल्लिका दूध को ठंडा करती है और अपने बच्चे को पिलाती है. इफ यू नो द मैन इज स्क्राउंडल, वाई डोंट यू टेक हिम टू द पुलिस, शी सेड.
फिर वो कहती कि अगर तुम्हें लगता है कि वो इतना इंसान बुरा इंसान है तो तुम उसे पुलिस के पास क्यों नहीं लेके जाते। द पुलिस वॉन्ट अरेस्ट हिम, द बॉय रिप्लाइड। फिर वो जो बॉय है वो मल्लिका को समझाता है कि पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी। दे विल इफ़ यू कंप्लेन, द गर्ल विप पिप्ड इन। उसके बाद लड़की बोलती है कि पुलिस कर लेगी अगर तुम उनको कंप्लेन करो तो। मल्लिका स्माइल्ड इन हर ग्रीफ। कंप्लेन, हाउ कैन आई सिस्टर, यू डोंट नो हाउ दिस वर्ल्ड रन्स। हाउ कैन आई किक अप अ फस व्हेन देयर इज़ नथिंग आई कैन फाइंड फॉल्ट विद। फिर उसके बाद मल्लिका हंसते हुए कहती है कि कंप्लेन, मैं क्यों कंप्लेंट करूँ जब वो मेरी इतनी हेल्प कर रहा है तो। ही वॉन्ट्स टू फाइंड मी वर्क, मेक मी कम्फर्टेबल। हाउ कैन आई ग्रम्बल व्हेन देयर इज़ नथिंग टू मोन अबाउट। फिर मल्लिका कहती है कि वो तो मुझे जॉब भी ढूंढ के दे रहा है तो मैं ऐसा सब क्यों करूँ उसके साथ। मल्लिका पुश द चाइल्ड अवे फ्रॉम हर लैब एंड ऑन टू द ग्राउंड। इट सीम द चाइल्ड वॉज द सोर्स ऑफ हर फ्यूरी एंड डिसगाइज्ड। हर आइज वर ग्लिटरिंग। उसके बाद मल्लिका अपने बच्चे को साइड करके उठती है और उन लोगों को बोलती है, डू यू थिंक आई डोंट नो वॉट विलनली इज, कांट मेक आउट वॉट्स ऑनेस्ट एंड वॉट्स ट्रेचरस। ही पुट्स ऑन एन एक्ट ऑफ सिंसेरिटी बट हाउ कैन ही हाइड द लुक इन हिज आइज। उसके बाद वो उन गर्ल और बॉय को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छे और बुरे के बीच में फ़र्क नहीं पता। और फिर उसके बाद वो बोलती है, वी आर लिविंग विद आर बैक्स टू द वॉल। वी वुड हैव शोन हिम द डोर, किक्ड हिम इन द टीथ हैड इट बीन अदरवाइज, बट वी आर हेल्पलेस, वॉट कैन वी डू। फिर उसे कहती है कि हमारे पास तो घर भी नहीं रहने के लिए, और अगर वो हमारी इतनी हेल्प कर रहा है तो मैं उसको ऐसा, मतलब उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करूँ। द बॉय एंड द गर्ल रिमेन साइलेंट। और इतने में जो फिर दोनों लड़का और लड़की होती है वो बिल्कुल चुप रहते हैं। राम लोचन हु हैड बीन वॉचिंग देम फ्रॉम अफार। और उसके बाद जो राम लोचन है जो मिल्क देकर चला गया था वहाँ से, तो वो इन लोगों को दूर से ही देख रहा था। वेंट असाइड नाउ एंड फेच्ड अ पुलिस ऑफिसर। वो इतने में जाता है और पुलिस ऑफिसर को लेकर आ जाता है। वी आर स्टूडेंट्स वॉलेंटियर्स, द बॉय ऑफर्ड। फिर जैसे ही पुलिस आती है वहाँ पर तो जो वो लड़का होता है वो कहता है कि सर हम तो बस स्टूडेंट वॉलेंटियर्स हैं। द पुलिस ऑफिसर लेफ्ट आफ्टर टेकिंग डाउन द नेम्स एंड द एड्रेसेस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड वार्निंग मल्लिका नॉट टू बी डब्ड बाय ऑल एंड सन्ड्री, बी ऑन गार्ड ही एडवाइस। और उसके बाद पुलिस ऑफिसर मल्लिका को कहता है कि तुम इन सब की बातों पर ध्यान मत दो, और उन जो बॉय और गर्ल होते हैं उनके एड्रेसेस नोट करके वहाँ से चला जाता है। कैन वी बी वेरी वैन आर स्टमक्स आर एम्प्टी, मल्लिका डिराइडेड। बट द पुलिस ऑफिसर हैड नो टाइम फॉर हर वर्ड्स। इतने में मल्लिका कुछ बोलती है बट पुलिस ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। द स्टूडेंट हैड ऑलरेडी लेफ्ट एंड राम लोचन वॉज फाउंड स्टिल सीटेड इन द कॉर्नर ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब वहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जा चुके हैं और राम लोचन जो है वो प्लेटफॉर्म के कॉर्नर पर बैठा हुआ है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हर। Perhaps he was keeping an eye on them, making sure others didn't win them over. अब रामलोचन ये भी चाहता है कि कोई और उनकी उनसे ज़्यादा बात ना करे या उन्हें कुछ बताए ना, और बस उन पर नज़र रखता है। मल्लिका टर्न टू आशा, ठाकुर जी यू आर द कॉज ऑफ आर रून, गेट टू वर्क, ब्रिंग अस सम रिलीफ। उसके बाद जो मल्लिका है वो आशा से बोलती है कि आप ही हमारी सारी बर्बादी का कारण हो, जाओ और जाके कुछ काम ढूंढो। आशा शिवर्ड, आई कांट, नॉट इवन इफ आई हैव टू डाई। अब आशा जो है वो बोलती है मैं नहीं कर सकती, चाहे मुझे मरना भी क्यों ना पड़े, बट मैं काम नहीं कर सकती। मल्लिका वाइप्ड अवे हर टीयर्स। अब मल्लिका रोते हुए अपने आंसू पोंछती है और बोलती है, एम आई टॉकिंग टू ऑफ डाइंग, डू यू थिंक आई फियर डेथ, आई वुड बी रेडी टू डाई इफ दैट वॉज नीडेड टू कीप माई चाइल्ड अलाइफ। तो मल्लिका कहती है कि मरना तो बहुत आसान है, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम कुछ काम करके दिखाओ ना, और मैं अपने बच्चे को ज़िंदा रखने के लिए मर भी सकती हूँ। शी डिड नॉट टॉक अबाउट भूषण, वेदर ही ऑट टू रिमेन अलाइव और नॉट। उसके बाद वो अपने हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बोलती है। शी हैड फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्डली asserted that she was not prepared to die for her husband. सीधे वो ये बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए नहीं मरना चाहती। शी वुड नॉट अलाउ हर सेल्फ टू बी एंट्रैप्ड बाय प्रमथा ईदर। अब वो ऐसा प्रमथा के लिए भी कुछ नहीं करना चाहती, बट शी वॉज रेडी फॉर बोथ
इफ द चाइल्ड हैड टू बी सेव्ड, बट वो चाहती कि उसका बच्चा जो है वो बचा रहे. शी न्यू हर डेथ वुड नॉट कीप द चाइल्ड अलाइव. अब उसे पता है कि अगर वो मर गई तो उसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि उसका बच्चा जिंदा रह लेगा. एंड हैड देयर फोर ऑप्टेड टू गिव. जस्ट कंसीडर ठाकुर जी, द थ्री ऑफ अस मे बी एबल टू लिव अगेन. उसके बाद वो बोलती है कि ठाकुर जी एक बार सोच कर देखो, अगर आप जॉब करोगे, काम करोगे, तो हम दोबारा से वैसे ही अच्छी तरीके से रह पाएंगे. इट्स नॉट सच अ शेमफुल और सिनफुल बिजनेस. ये कोई बहुत शेमफुल या सिनफुल बिजनेस नहीं है, बुरी बात नहीं है जॉब करना. वी वोंट लुक डाउन अपॉन यू. हम आपको बुरी नज़र से नहीं देखेंगे. वी विल वर्शिप यू इंस्टेड. बल्कि हम आपकी पूजा करेंगे, मतलब आपको और अच्छे नज़र से देखेंगे. डोंट इंसिस्ट, आई कॉन्ट डू इट, आशा रिप्लाइड. अब आशा बोलती है कि मुझे प्लीज़ बार बार फोर्स मत करो, मैं नहीं कर सकती. भूषण, हु हैड बीन साइलेंट ऑल दिस वाइल, स्पोक आउट शार्पली नाउ. अब भूषण जो इतनी देर से चुप बैठा था, वो एकदम से बोलता है, वन मस्ट नेवर लेंड वंस ईयर्स टू सच टॉक. एंड ही डोज्ड ऑफ ऑल ओवर अगेन. उसके बाद भूषण बोलता है कि ऐसी सब बातें मत करो, और दोबारा से सो जाता है. द वर्ल्ड हिज ओन एग्जिस्टेंस हैड टर्नड रिमोट अपसाइड डाउन. एवरीथिंग हैड बिकम मडल्ड इन हिज माइंड. मल्लिका, आशा, खोकन, द क्राउड ऑफ पीपल, द स्टेंच हैड नो मीनिंग फॉर हिम. अब जो भूषण है उसके लिए मल्लिका, आशा, खोकन का कोई मतलब नहीं है उसकी लाइफ में. बट फॉर मल्लिका अ रूफ अबव देयर हेड वॉज प्राइमरी. बट मल्लिका के लिए उनके सर पर एक छत होना वो बहुत ही ज़रूरी है. इन द आफ्टरनून प्रमथा'स कार केम एंड टुक देम टू अ स्मॉल टू स्टोरीड बिल्डिंग. उसके बाद जब दोपहर होती है तो जो प्रमथा की कार है वो आती है और उन लोगों को एक टू स्टोरी बिल्डिंग में लेकर जाती है एट द एज ऑफ द सिटी. द हाउस वॉज सिचुएटेड इन अ रिस्पेक्टेबल कॉलोनी. अब वो जो घर है वो एक कॉलोनी में है. दे वर गिवन अ रूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर. अब इन लोगों को ग्राउंड फ्लोर पर एक रूम दिया जाता है. द गार्ड एट द एंट्रेंस लेट देम इन. उसके बाद वहाँ पर एक गार्ड खड़ा है जो इनको अंदर एंट्री करवाता है. द हाउस हैड बिलोंग टू अ मुस्लिम फैमिली हु हैड फ्लेड व्हेन प्रमथा मैनेज्ड टू कॉज अ रायट इन द एरिया. उसके बाद हमें ये पता चलता है कि जो इन्हें घर मिला है वो एक मुस्लिम फैमिली का है, जो कि अब यहाँ से जा चुकी है जब प्रमथा ने एक रायट, मतलब कि बहुत बुरी लड़ाई करी थी इस एरिया में. रायट जो है वो बेसिकली दंगे वगैरह होते हैं. इट वॉज रामलोचन वॉज टू टेल मल्लिका टू एक्सप्रेस हिज एडमायरेशन फ्रॉम प्रमथा एंड टू इवोक फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड इन हर टू. अब ये सारी बात उसे रामलोचन जो है वो बताता है ताकि प्रमथा की जो रेपुटेशन है वो मल्लिका की आंखों के सामने थोड़ी बढ़ सके. प्रमथा हैड ऑल्सो गिवन शेल्टर टू फोर अदर फैमिलीज इन फोर अदर रूम्स. उसके बाद वो ये भी बताता है कि जो प्रमथा है उसने चार और फैमिलीज़ को चार और रूम्स में भी शेल्टर दिया है. द मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ दीज फैमिलीज स्टेयर्ड एट मल्लिका विद देयर डल वेकेंट आईज एज शी हैज़ अराइव्ड. अब जैसे ही ये लोग आते हैं तो वहाँ पर जो और मैन, वुमेन और चिल्ड्रन होते हैं जिसको प्रमथा ने पहले घर दिया था, तो वो लोग इसको डल आई से देखते हैं कि और वेकेंट आई से देखते हैं कि अब ये भी आ गई है और इसके साथ भी पता नहीं क्या क्या हो. दे हैड नथिंग टू से, दे न्यू और हैड हर्ड नथिंग. अब वो लोग ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं, और उनके पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं होता, मतलब मल्लिका को बताने के लिए. मल्लिका हर्ड अ गर्ल सेइंग, यू आर सो लेट, व्हेन विल आई गो एंड कम बैक. उसके बाद मल्लिका जो है वो एक लड़की को सुनती है जो बोलती है कि तुम तो बहुत लेट आए हो, अब हम आएंगे कब तो जाएंगे कब. व्हाट कैन आई डू, आई डोंट ओन द व्हीकल डू आई. उसके बाद जो वो दूसरा आदमी होता है जिसको वो लड़की बोल रही है, तो वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई व्हीकल भी तो नहीं है. बट द बॉस वॉन्ट रिनाउंस द रेंटल विल ही, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस. द ड्राइवर रिटर्न टू द व्हीकल. सम टाइम लेटर मल्लिका सॉ अ मैरिड वुमन अ फ्यू ईयर्स ओल्ड दैन हर वियरिंग अ नाइस साड़ी गेट इन टू द कार अलोन. उसके बाद वो यही सारी कन्वर्सेशन सुनती है ड्राइवर और एक लेडी की, और उसके बाद जो वो लेडी है वो मैरिड होती है और वो अकेली ही एक साड़ी पहनी होती है उसने, और वो कार में ड्राइवर के साथ बैठ जाती है. शी लुक्ड एक्सट्रीमली डिजेक्टेड. मल्लिका कुड सेंस वेयर द वुमेन वॉज बींग टेकन. शी हैड नोन ऑल, बट इन
but it in her days and nights in the railway platform living among the multitudes. उसके बाद मलिका को कुछ कुछ तो समझ आता है कि उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उसने पहले अपनी रातें भी रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे गुजारी होती हैं. दैट बॉय एंड गर्ल हैड स्पोकन टू हर इन डिटेल अबाउट प्रमथाज वेरियस एक्टिविटीज़. और कुछ उसको इसलिए भी पता था क्योंकि वो जो बॉय और गर्ल थे उन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया था उसको प्रमथा की एक्टिविटीज़ के बारे में. शी हरसेल्फ हैड सीन हाउ अ गर्ल और अ वुमेन रिटर्न्ड अलोन इन अ शॉर्ट टाइम एन आर परहैप्स क्लचिंग अ फ्यू कॉइन्स इन हर फेस्ट फिल्ड विद इम्पोर्टेंट रेज. और फिर वो देखती है कि एक गर्ल या फिर आप कह सकते हैं एक वुमेन आती है थोड़ी ही देर में वहाँ पर वापस, मतलब कि एक घंटे के बीच में, और उसके हाथ में कुछ कॉइन्स होते हैं. बट शी हैड नॉट येट फाउंड आउट दैट प्रमथा हैड रेंटेड अ रूम एट अ हाई प्राइस इन अ कॉलोनी दैट ही वुड पॉकेट द पेमेंट फॉर द रूम द कार रेंटल एंड द वुमेन्स फी and that he would also take a commission against the woman earning from her temporary master. Mallika did not have a clue all about this. बट मल्लिका को बिल्कुल ये चीज़ समझ नहीं आती कि जो प्रमथा है उसने एक उसको रूम भी रेंट पर दिया जो इतने हाई प्राइस का है, साथ में उसको कार का रेंटल दे रहा है, वुमेन्स की फीस दे रहा है, और अपनी कमीशन भी रखेगा वुमेन की अर्निंग्स में से, और उसको बिल्कुल क्लू नहीं होता इन सब चीज़ों का जो भी उसे काम दिया जाएगा. सेटलिंग इन हार्डली टुक हर एनी टाइम देयर दे हैड सो लिटल एनी वे बट एट लास्ट देयर वॉज इनफ स्पेस फॉर मल्लिका टू सिट डाउन विद फीट स्ट्रेच्ड. अब मल्लिका वहाँ बैठी होती है. शी स्प्रेड बेड्स फॉर भूषण एंड कोकोन एंड प्लॉप्ड डाउन हार्ड अगेंस्ट अ वॉल. और फिर उसके बाद भूषण और कोकोन के लिए बेड बिछाती है और वहीं पर बैठ जाती है दीवार के साथ टेक लगाकर. हर हेड वुड हैव बर्स्ट इफ इट वर नॉट फॉर द क्वेश्चन प्रोवाइडेड बाय अ मॉप ऑफ हर अनरूली हेयर. अब उसके दिमाग में यही सारी बात घूम रही होती है. आगे कहती है, इट वॉज अमेजिंग हाउ वन पर्सन वॉज ओपनली कैरिंग ऑन फ्लैश ट्रेड लेटिंग आउट रूम्स एंड गिविंग कार्स एट रेंटल ऑल एट वन गो. और उसके बाद प्रमथा के बारे में सोचती है कि कैसे वो फ्लैश ट्रेड कर रहा है और वुमेन्स को रूम्स भी दे रहा है, कार का रेंट भी भर रहा है, और मतलब कैसे वो ये सारा कुछ चला रहा है, और उसको ये सब सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. हाउ ऑल ऑफ दीज वर इंटरकनेक्टेड. और फिर उसे ये सब कुछ चीज़ें समझ आती है कि ये कैसे सारी इंटरकनेक्टेड, मतलब अंदर से कैसे सब कुछ जुड़ा हुआ है. शी हैड नॉट बिलीव्ड व्हेन शी हैड हर्ड अबाउट इट. नाउ ऑल दैट ले एक्सपोज टू हर व्यू. पहले तो जब उसने उस बॉय और गर्ल से ये सब कुछ सुना था तब उसे यकीन नहीं हुआ था, बट अब जब वो ये सब कुछ खुद देख रही है तो उसे सब कुछ समझ आता जाता है. द फ्रंट डोर वॉज अजार. अब जो फ्रंट डोर था वो थोड़ा सा खुला हुआ था. अ कपल ऑफ वुमेन वर स्क्रबिंग पॉट्स एंड पैन्स नियर द कॉमन टैप. कमिंग आउट ऑफ द रूम इन द कॉर्नर अ मैन अबाउट भूषण एज अबाउट टू गो एंड स्टॉप्ड इन हिज ट्रैक्स. उसके बाद जब वो बाहर देखती है तो देखती है कि बहुत सारी वुमेन्स जो हैं वो एक ही कॉमन टैप लगा हुआ है वहाँ पर अपने घर के पॉट्स और पैन्स को धो रही होती हैं. और उसके बाद वो देखती है कि वहाँ पर एक भूषण, मतलब उसके हस्बैंड की एज के जितना एक आदमी आता है. ही वॉज एड्रेस्ड बाय वन ऑफ द वुमेन. और उसके बाद उनमें से एक वुमेन उससे बात करती है और बोलती है, दादा लिसन आई हैव समथिंग टू टेल यू. कि सुनो मुझे आपको कुछ बताना है. इट वॉज अपेरेंट द मैन हु हैड टेकन द एफर्ट टू लुक रिस्पेक्टेबल वॉज डाइंग टू बी आउट ऑफ द हाउस. द गर्ल हैड कम अप फ्रॉम द टैप स्लिम एंड डार्क. शी लुक्ड एज इफ शी हैड क्रॉस द मैरिजेबल एज. द गर्ल एंड द मैन मूव टू अ कॉर्नर एज द फ्रंट डोर वॉज वाइड ओपन. उसके बाद इस गर्ल के बारे में बताया गया है कि ये बहुत स्लिम और डार्क कॉम्प्लेक्शन की है. और फिर वो उस मैन के साथ रूम में जाती है और वहाँ से आवाज़ आती है, वेयर आर यू ऑफ टू नाउ. कि तुम कहाँ थे अभी तक. तो लड़का जो है, मतलब वो मैन जो है, वो बोलता है कि जॉब ढूंढने के लिए, टू लुक फॉर अ जॉब, व्हाट एल्स. फिर उसके बाद लड़की बोलती है, ब्रिंग सम मेडिसिन फॉर बाउडी, कांट यू सी हाउ शी इज़ सफरिंग. वो बोलती है कि बाउडी के लिए थोड़ी दवाइयाँ ही ले आओ जाकर, तुम्हें दिखता नहीं कि वो कैसे मर रही है. इफ़ यू कांट गेट होल्ड ऑफ मेडिसिन ब्रिंग सम पॉइजन देन. अगर तुम उनके लिए दवाई नहीं ला सकते तो कम से कम उनके लिए जहर ही ले आओ. वट डू यू टेक मी
फॉर तो फिर वो आदमी कहता है कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है। ऑल दो द मैन हैड नॉट रेज हिज वॉइस, अभी तक आदमी ने तो अपनी आवाज़ नहीं उठाई होती है, बट द साउंड ऑफ द स्लैब बिस्टर्ड ऑन द सिस्टर्स चीक एंटर्ड मलिका'स ईयर। इतने में ही वो आदमी हाथ उठाता है और उसकी आवाज़ पूरी कॉलोनी में जाती है और मलिका को भी सुनाई देती है। देन साइलेंस फॉर अ फ्यू मिनट्स, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाता है वहाँ पर। द गर्ल हैड डिपार्टेड फॉर द टैप व्हेन अ नाटली ड्रेस्ड मिडिल एज जेंटलमैन लेड बाय द हाउस गार्ड केम अप टू द कोर्टयार्ड। उसके थोड़ी ही देर बाद वो लड़की बाहर आती है वापस पानी भरने के लिए, और वहाँ पर एक गार्ड भी आता है। दादा इज़ नॉट इन, द गर्ल शाउटेड फ्रॉम द कोर्टयार्ड। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि दादा मतलब जो उसके साथ जो मैन था वो उसके ब्रदर था, तो बोलती है कि मेरा भाई यहाँ पर नहीं है। ओ आई मीट हिम आउटसाइड बट कम हेयर, आई हैव समथिंग टू टेल यू। उसके बाद गार्ड कहता है कि हाँ हाँ वो मुझे बाहर मिला था, बट तुम इधर आओ, तुम्हें कुछ बताना है। Why have you come again? उसके बाद लड़की बोलती है कि तुम दोबारा क्यों आ गए। Your brother said unless the rent is paid in a couple of days you will be thrown out. तो फिर गार्ड कहता है कि अगर तुमने रेंट पे नहीं किया तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। What can I do? He'll pay when he can. उसके बाद वो लड़की कहती है कि तो मैं क्या करूँ, जब उसे पे करना होगा मेरे भाई को वो खुद कर देगा। कम विद मी फॉर अ वाइल, लेट्स सी वॉट कैन बी डन। उसके बाद वो गार्ड कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। नो आई डोंट लाइक गोइंग आउट, लड़की कहती है कि नहीं मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है। बट यू विल बी विद मी, वाई बी अफ्रेड। उसके बाद गार्ड कहता है कि तुम डरते क्यों हो, तुम मेरे साथ होगे। नो 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 आई एम नॉट गोइंग विद एनी वन, फिर लड़की बोलती है नहीं मैं किसी के साथ भी नहीं जाऊँगी। तो गाइस यहाँ पर हमारी हाफ स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर आपको इसके आगे की पढ़नी है तो वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। और हाँ, जाने से पहले ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और वीडियोस किस टॉपिक पर चाहिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।